रविवार को नेहरू चौक पर विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के चुनाव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी ने कहा है कि वह मोदी जी के विजन पर चुनाव मैदान में है। उन्होंने मोदी सरकार के 5 साल के विकास कार्यों को बताते हुए भाजपा को जिताने की अपील की। इस मौके पर सुरेश आर्य लोकसभा प्रभारी जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उमा सिंह जाट, विधायक लीना जैन, महिला मंडल और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी रमाकांत जी भार्गव लोकसभा के प्रभारी। पीलीभीत में नकली नोट छापने वाले गैंग के 2 सदस्यों को पकड़कर मौके से हजारों की नकली नोट व छापने के उपकरण बरामद कर सदर कोतवाली पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग के सरगना सहित 2 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है। दरअसल सदर कोतवाली का रहने वाला उदेश दीक्षित 500 के कई नकली नोट दुकानों पर लेकर सामान खरीद रहा था। तभी एक दुकानदार ने नकली नोट पहचान लिया और पुलिस बुला ली। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उदेश दीक्षित ने बताया कि उसे शहर के निवासी शिवम वर्मा ने व नितिन पटेल ने यह आधे दाम पर चलाने के लिए दिए थे। पुलिस ने मोहल्ला डोरी लाल फाटक में नितिन पटेल के घर छापा मारा तो घर में 2 प्रिंटर, इंक की बोतलें, हरी पट्टी व नोट प्रिंट के सैंपल समेत नोट छापने के कई सामान मिले। साथ ही 500 के 17 नोट, 200 के 11 नोट, 100 के 4 व 50 का 1 नोट बरामद हुआ। यह सभी नोट नकली थे। चुनाव के समय नकली नोटों का यह धंधे की खबर पर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने नितिन पटेल के घर से उसकी पत्नी सपना पटेल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका पति नितिन पटेल व साथी शिवम फरार बताए जा रहे हैं। ये यशवंतरी देवी में मेला चल रहा है। इस मेले में एक लड़का नकली नोट चलाने का प्रयास कर रहा था, दुकानदारों ने इसको पकड़ लिया था तो पुलिस को सूचना दी गई। इसे जांच पड़ताल के द्वारा पाया गया कि एक नितिन पटेल नाम का आदमी अपने घर में प्रिंटर लगा के इसको छपवाता था, तो प्रिंटर बरामद हो गया है और गिरफ्तारी भी हुई है। कुछ नकली नोट जो उन्होंने छापा उस प्रिंटर के द्वारा स्कैन करके वो भी मिला है और कलर प्रिंटर ये भी मिला।